प्रणाम मित्रों, कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद बहुतांश पेशेंट्स के लंग्स में कमजोरी निर्माण हो जाती है। बहुतांश लोगों को इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, ये बीमारियां हो जाती है जिससे लंग्स में कमजोरी आती है, सांस नहीं ले पाते, उनके आउटपुट कम हो जाती है। अल्प श्रम करने के उपरांत भी उन्हें थकावट महसूस होती है, लोग सांस नहीं ले पाते, उनकी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। कोविड के बाद लंग्स को ताकत कैसी दी जाए, बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आते हैं। आपको बताने वाला हूँ, ये हम जो घर में मिलने वाली चीजें हैं उनसे कर सकते हैं। प्रयोग के लिए आपको कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रथम है लहसुन, गार्लिक, अखंड गार्लिक, ताजा दही, गाय का दूध। यदि आपको रॉ अनहोमोजेनियस अनपैश्चराइज्ड गाय का दूध मिल रहा है तो बहुत ही उत्तम, वरना आप कोई भी गाय का दूध ले सकते हैं। पानी, और आपको अक्की हल्दी लगेगी या टर्मरिक। ये प्रयोग करने के पहले हमें लहसुन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये जो गार्लिक है इसको, इसके ऊपर जो आप पेपरी कवरिंग दिख रही है आप उसको निकाल दीजिए। आप एक साथ दो चार गार्लिक बना के रख सकते हैं, मैं एक गार्लिक के साथ आपको बता रहा हूँ। तो ये गार्लिक लीजिए, इसके ऊपर का पेपरी कवरिंग निकाल दीजिए और इसको संपूर्णता से दही के अंदर आप सबमर्ज कर लीजिए। दही मीठा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, गार्लिक का कोई भी पार्ट दिखना नहीं चाहिए। संपूर्णता से सबमर्ज कीजिए और इसे 24 आवर्स रख लीजिए। 24 घंटे के बाद आप लहसुन को निकालिए और उसको साफ कर लीजिए। कभी कभी आपको लहसुन के ऊपर रेड कलर के स्प्राउट्स दिखेंगे तो उसको निकाल दीजिए और एक एक कली को आप आलमंड जैसा या बादाम जैसा छील दीजिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक बार आपके क्लव्स रेडी हो गए तो आप इसको बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। आप एक साथ दो चार लहसुन बना सकते हैं ताकि आपका कर्ड या दही वेस्ट ना जाए। इस उपरांत आप जो ये हल्दी दिख रही है आप इसको थोड़ा लोखंड के कढ़ाई में रोस्ट कीजिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसकी आवश्यकता नहीं है, यदि आपके पास लोखंड की कढ़ाई नहीं तो आप उसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं, किंतु यदि आपके पास लोखंड की कढ़ाई है तो आप इस ये प्रोसीजर करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। तो आप हल्दी को बना के रख सकते। दवा बनाने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है, 3 या तो 5 क्लव्स ले। यदि आपको 5 क्लव्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो स्टार्टिंग को आप 3 ले लीजिए क्लव्स, मतलब लहसुन की कलियां, और अंदाज से 5 ग्राम का हल्दी का टुकड़ा ले लीजिए। ये दोनों को आप थोड़ा कूट लीजिए। आप थोड़ा दूध डाल के भी कूट सकते हैं या उसको कूट के आप 200 ml दूध में डाल दीजिए। आप 150 ml वैसे भी कर सकते हैं, मैं 200 ml की मात्रा जनरली लोगों को बोलता हूँ, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना अंदाजे 600 ml पानी डाल दीजिए और उसको धीमी आंच में उबाल दीजिए जब तक दूध अवशेष नहीं रह जाता। मतलब आपके पास अभी 200 और 600 800 ml है तो आपको इसे 200 ml करना है। जैसे ही दूध अवशेष रह जाएगा आप उसको फिल्टर कर लीजिए, आपको इस पद्धति का ये काढ़ा बन जाएगा। और ये दूध का काढ़ा जितना गुनगुना हो सके आप रात को सोने के 10 मिनट पहले पी जाइए। ये दवा आप निरंतर 15 दिन कीजिए। ये दवा करते समय कुछ परहेज है, कुछ चीज़ें हैं जिसे आप वर्ज करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। मैं लिस्ट कर रहा हूँ। जनरली खट्टी चीज़ें हैं जैसे टमाटर है, जो आप खाने में टमाटर यूज़ करते हैं, ग्रेवीज बनाते हैं, वो ना यूज़ कीजिए। जंक फूड, एक्सेसिव शुगर्स मत यूज़ कीजिए, जैसे बाहर के पेप्सी है, कोला है, वो चीज़ें मत यूज़ कीजिए। हरी मिर्ची, लाल मिर्ची अन्न में ना यूज़ कीजिए। चाय छोड़ दीजिए, चाय ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको छोड़नी पड़ेगी। चाय, कॉफ़ी, मैदे की चीज़ें जैसे बिस्किट्स है, वो सब चीज़ें मत खाइए। आप कोई भी जिससे गैस बनती है, जैसे पीज है या बीन्स है, मटर है, राजमा, छोला, ये चीज़ें मत यूज़ कीजिए। आप खाने में कोकोनट का यूज़ मत कीजिए। एकदम ब्लैंड खाना रखिए, जीरा राइस, मूंग की दाल, तुअर की दाल भी मत यूज़ कीजिए जिससे बॉडी में हीट बनती है। घी वाला खाना बनाइए और इसके साथ ये दवा आप 15 दिन निरंतर लीजिए। दस बार जब आप ये मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, दूध वाली मेडिसिन, तो 1-2 दिन में आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि बहुत सा बलगम निकल रहा है, आपको खांसी हो रही है, ड्राई कॉफ नहीं होगा, तो ये अच्छे साइंस है कि आपके लंग्स काम करें। तो 2-3 दिन आप अवश्य उसे एक ट्रायल दीजिए। बहुत से पेशेंट्स लंग डैमेज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे होते हैं, पंप्स पे होते हैं, तो उसे लेना बंद मत कीजिए। पंप लेते रहिए, आपको यदि सुधार लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर से विचार विमर्श करके, आपके जो यदि आपको कोई स्टीरॉयड स्टार्ट है लंग्स के लिए तो आप उनके डोज स्लोली टेपर कर सकते हैं। कृपया कोई भी डोसेस तुरंत बंद मत कीजिए। केवल एक एडजुवेंट थेरेपी होम रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ। यदि आप संपूर्णता से, निष्ठा से, परहेज के साथ आप यदि इसका उपयोग करेंगे 10-15 दिन तो आपको अवश्य लाभ होगा। यदि आपको आपके कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से लाभ हो रहा है तो ये दवा लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बहुतांश ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के बाद लंग्स के अंदर कमजोरी आ गई है, लंग्स का आउटपुट कम हो गया, तो उनके लिए दवा मैं बता रहा हूं, तो आप उसका अवश्य लाभ लीजिए।
जैसे समाज है कि जो लहसुन नहीं खाते, जैसे वैष्णव समाज है और जैन समाज है, तो मेरे पास उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, किंतु एक प्राणायाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ आप कर सकते हैं, और जो ये दवा ले रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम को हम चेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं। जनरली हम जब ब्रीदिंग करते हैं तब हम एब्डोमेन में ब्रीदिंग करते हैं, तो जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फुल जाता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। बहुत अच्छी बार लोग ये करते नहीं है, लेकिन जनरली ब्रीदिंग जब हम सोते हैं तो ऐसी होती है। तो इस ब्रीदिंग में आपको सांस चेस्ट में भरनी है और पेट में नहीं। क्या प्रथम सांस को पेट में लीजिए और पेट को पूरा फुला दीजिए, जैसे मैं इनहेल कर रहा हूँ, फिर एक्सहेल कर लीजिए, जितना अंदर आपका पेट जा सकता है जाने दीजिए, और उसको पकड़ के रखिए। इसे उड़ियान बंद कहते हैं। बहुत ज़्यादा फोर्स मत लगाना, जितना आप लगा सकते हो उतना, और जैसे ही आप पेट को अंदर ले लेंगे तो आपको सिर्फ शोल्डर्स पीछे लेके थोड़े छाती में ब्रीदिंग करना है। मेरे हाथ को देखिए, जैसे अभी मैं इनहेल कर रहा हूँ मेरे पेट में, एक्सहेल कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी छाती पे हाथ रख रहा हूँ, थोड़ी शोल्डर्स पीछे ले रहा हूँ, हल्का ब्रीदिंग करना है। लेकिन जब आप सांस लेंगे छाती में तो उसको जितना पकड़ के रख सकते हैं उतना रखिए, और फिर धीरे से छोड़िए। तो जितना ज़्यादा आप पकड़ पाएंगे, जितना धीरे आप छोड़ पाएंगे, उतने आपके सांस लंबे होंगे। आपके लंग्स के जो इनएक्टिवेटेड एल्वोलाइज है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस या ब्रोंकाइटिस में हमारे लंग्स के कुछ भाग निष्काम हो जाते हैं। प्राणायाम एक ऐसी प्रणाली है जिससे हम हमारे संपूर्ण लंग्स का यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए योगी के लंग्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो उसी टाइप की हम कोई टेक्निक कर रहे हैं कि हम जो लंग्स के इनएक्टिव सेल्स हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन्स प्रोग्राम होते हैं कि जब हम बचपन से जो सेल्स को यूज़ करते हैं वही सेल्स एक्टिव रहते हैं। जब आप ये प्राणायाम करते हैं तब हम शरीर को फोर्स करते हैं कि जो सेल्स इतने सालों से एक्टिव नहीं है वो एक्टिव हो जाए। तो ये जो चेस्ट ब्रीदिंग है, ये सिंपल सी ब्रीदिंग है, ये आप कर सकते हैं। आपको कोई सिद्धासन या पद्मासन रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनके लंग्स में कमजोरी है वो सिद्धासन पद्मासन वैसे ही नहीं लगा पाएंगे। तो सुखासन में कहीं पे भी बैठ के आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। सिर्फ याद रखें कि एसी में मत रहिए, क्रॉस वेंटिलेशन रहना चाहिए, सूरज की किरणें आने चाहिए, तो वो आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये प्राणायाम आप शयन अवस्था में भी कर सकते हैं, इंक्लाइन पे लेटिए, अप्रॉक्सीमेटली 30-35 डिग्री एंगल पे, पैरों को थोड़े आप अपने शरीर के पास लेके आइए, और इंक्लाइन पर रह के एक हाथ पेट पे और एक हाथ चेस्ट पे रख के सिर्फ अवेयरनेस से प्रथम पेट में हवा भरिए, फिर छोड़ दीजिए पूरी, और फिर वैसे ही थोड़े से शोल्डर पीछे रखें। अब इतना करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे और अपना नित्य कर्म कर लेंगे, उसके बाद इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। यदि आपको नित्य कर्म नहीं हो रहे, आपकी आँख खुल गई, तो तुरंत बैठ के ये प्राणायाम आप कर सकते हैं, और रात को आप ये लहसुन का जो दूध का है वो आप ले लेंगे, तो आपको अवश्य 15-20 दिनों में इससे फायदा होगा। क्योंकि इसमें लहसुन और हल्दी है, तो यदि आप कोई ब्लड थिनर्स पे है, डायबिटीज के दवाओं पे है, ब्लड प्रेशर के दवा पे है, लिवर के मेडिसिंस पे है, किडनी के मेडिसिंस पे है, आप इसको 7-8 दिन ले सकते हैं। किंतु यदि आपको 7-8 दिन लेने के बाद लाभ होगा तो अपने डॉक्टर से अवश्य चिंतन मनन कीजिए, अपने लेवल्स को चेक रखिए। ये दवा का प्रयोग करने के पहले आपने डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लीजिए। ये दवा का कोई नुकसान नहीं है, किंतु यदि आप कौन से एडवांस स्टेज पे नहीं पता, तो आप दवा का यूज़ उनके ही निगरानी में कीजिए। बहुत सारे इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के पेशेंट्स पोस्ट कोविड के बाद होते हैं, उनको ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप प्राणायाम जो मैंने आपको बताया उसे आप बहुत ही धीरे धीरे कीजिए, ओवर स्ट्रेस मत कीजिए, क्योंकि लंग्स की ऑक्सीजन रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आप तुरंत उसे नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप ऑक्सीजन आपको लगता है तो प्रथम आप ये दवा ले लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है, तो आप ये प्राणायाम अवश्य कर सकते हैं। कोविड के बाद जिनके लंग्स में न्यूनता आ जाती है, तो आप शावर के नीचे डायरेक्टली सर के ऊपर आप पानी मत लीजिए, आप बाथरूम में भी बैठ के स्नान कीजिए। धीरे धीरे यदि आप इस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को लेंगे, तो आपके लंग्स में फिर से आपको ऊर्जा मिलेगी, और आप सर्व कार्य अच्छी तरीके से कर पाओगे। आपको लॉन्ग टर्म जो लंग्स के अंदर डैमेज होता है उसमें आपको अवश्य सुधार दिखेगा। यदि आपको इस गार्लिक के मेडिसिन से और प्राणायाम से लाभ होता है, तो आप अवश्य कमेंट्स में लिखिए, जिससे अन्य कोविड पेशेंट्स को भी विश्वास जागृत होगा। धन्यवाद।